I missed this flight to Bali from Singapore Airlines, and Singapore Airlines is a silent airport, so they didn't do any announcements. Yeah. And I'm looking at my nice watch. India time. So I'm like, oh, war time, better. And no, it's not even ending here. Oh yes. Then I go to Singapore Airlines ka counter. Dudum. Paise nahi the mere paas. Ladies and gents, boys and girls, we are back with another smashing collaboration between Curly Tales' Sunday Brunch and the Bombay Journey. By the way, Sid, I have to say, जितना हमारे audiences को ये episodes देखने में मजा आता है ना, उतना ही मुझे करने में, because it involves two of my favorite things, driving and eating. I know, एकदम जबरदस्त deal है. But before we tell them who we are taking with us, let's tell them किसमें लेके जा रहे हैं. Well, it's the snazzy and the sleek Skoda Slavia. बिल्कुल हमारे celebrity से match करता हुआ. On the roads of Mumbai with मुंबई की मुलगी नुसरत भरूचा. चले लेट्स गो. ओह गॉड, दिस कार इज रियली हॉट रेड. हाउ व्हाट्स हैपनिंग? आई शुड हैव ड्रेस्ड लिटिल मोर वाइब्रेंट. यस वाइब्रेंट. आपको यदि चार्जिंग करनी तो लगा लो. वाओ ग्रेट, प्लीज कर दो. बस क्या ऐसे होती है? हाँ हो रही है, देखो चार्जिंग. ओ वाओ नाइस ना. Very nice. मस्त शो ऑफ करते हैं हम लोग गाड़ी का. अपना प्लीज करो यार, आजकल गाड़ी में ये सब नहीं हो तो मेरे को जमने नहीं लगा है, पता है. क्या बिगड़ गया यार तुम? आदत हो गई है मेरे को. फुल बिगड़ेल. हाउ? बट गुड मॉर्निंग नुसरत, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी एंड द संडे ब्रंच. कैसी हो आप? एकदम बढ़िया. आई एम लविंग हाउ वीव टेकन ऑफ ऑन दिस नाइस कार ड्राइव एंड यू आर पिकिंग मी अप फ्रॉम माय हाउस. वेट, होल्ड ऑन. या सनकिस्ट. सनकिस्ट. Nice light coming. Selfie. Oh, I mean selfie also. Oh God, I have to stop cracking that joke, guys. But कैसी हो आप? क्या चल रहा है? Oh my God, क्या चल रहा है? क्या क्या नहीं चल रहा है? You're driving me to a Mohurat shoot. To a Mohurat shoot, which is Chori 2. But 27th November is the same day the film had released first. Yes. Part. Oh wow, yeah. That is the beauty of this. So it's I think the whole thing full is circle. Like a full circle, like yeah. So last time when we were talking, Nusrat, back to back you were shooting one film to another. How has it been? When we spoke in 2020, कैसे गए पिछले दो साल? मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि कैसे वो चले गए और मैं 2022 में आ गई हूँ. हमने एक मिनट गाइज, कितनी पिक्चर कर ली मैंने, रिलीज बहुत कम हुई है, पता नहीं क्यों. एक्चुअली सबको पता क्यों, बट एनीवे कमेंट में बता देना अगर आप समझ में आया था, ठीक है. बट जुहू आपका हुड है. पिछली बार हम लोग बॉम्बे जर्नी में तो टाउन तक निकल गए थे. तो जुहू की कहानियां नहीं बोली यार आपने. जुहू की कहानियां बताओ. हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे नॉस्टैल्जिया टाइप एक ड्राइव पे ले गया था. वी आर ऑल बीएमएमाइट्स. हां यू आर बीएमएम. ऑफ कोर्स आई एम बीएमएम. वी आर ऑल थ्री बीएमएम फ्रॉम जयहिंद. नो नो, डिफरेंट कॉलेजेस. विल्सन रिप्रेजेंट, जयहिंद रिप्रेजेंट, नेशनल रिप्रेजेंट. ओ नाइस. यही आज इंटर कॉलेज कंपटीशन चालू करते हैं. द फनी पार्ट वाज आई गॉट इनटू नेशनल्स फर्स्ट, या, एंड आई जस्ट कुड नॉट बी अवे फ्रॉम जयहिंद बिकॉज़ आई स्पेंट 2 इयर्स इन जयहिंद. मैंने कहा एक काम करते हैं, जरा थोड़ा टाउन के साइड चलते हैं. देन आई वेंट टू विल्सन, बट जयहिंद गॉट एन एम्प्टी स्पॉट ओपन. एंड ऑफ कोर्स यू चोज जयहिंद. ऑफ कोर्स आई चोज. ऑफ कोर्स. बट इट यूज्ड टू बी सच अ बिग थिंग एट दैट पॉइंट, एंट्रेंस एग्जाम. ये वो मैंने जेवियर्स में अप्लाई किया था. मैंने भी किया था. कट ऑफ 95% फॉर बीएमएम. व्हाट? या. ओह माय गॉड. बिकॉज़ दे हैड दोस मेनी एप्लीकेंट्स दैट ईयर. सो मैं तो फादर मैस्करेन से जाके मिल के भी आया था कि सर प्लीज प्लीज. मेरा तो केस सिंधी कोटा में भी आई कुडंट गेट थ्रू. व्हाट? केसीआई क्लियर लाइक दिस. बट लिसन, टेल मी समथिंग, नाउ दैट वी हैव ऑल डन बीएमएम, यस, डू यू ऑल फील लाइक दैट कोर्स रियली एजुकेटेड अस इन अ सर्टेन वे, और डू यू फील लाइक इट्स द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, बट स्टिल बेटर देन द मास्टर ऑफ वन. हमारे पास ऑप्शन नहीं थे यार. नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग को मना करके इधर आया था, ठीक है. तो मैं साइंस वाला हूँ और मेरा 93% था, तो मैं मतलब थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ. आई एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज विद बीएमएम. तो बेसिकली आपने 3 साल मस्ती करी है. बहुत इंजीनियरिंग और साइंस छोड़ के सिर्फ तफरी करी है आपने 3 साल. ये इधर राइट साइड में गीतांजलि है. गीतांजलि चाइनीज. यस. Have you had the chopper rice there? Oh, everything. Oh my god. The chopper. So okay, I have a thing. When I go to eat all this desi Chinese, yeah. I love desi Chinese. Not just ye Gitanjali. Juhu bus depot na. Yes, yes, we know. The bus depot ka Chinese also is killer. Killer. Killer matlab unreal. Matlab bilkul orange color ke rice. Orange color. Oh my Baila marke. Sorry ka. So what I do is I love eating this food, but I can't handle their cutlery.
Like I can't handle that plate and chammach and bowl in which they give. I'm like, भाई ये तो नहीं हो सकता. ये तो for sure short food poisoning का ऐसे plate laid out है मेरे लिए. तो मैं घर से, I'm not kidding, मेरी गाड़ी में एक प्लेट, चम्मच, सूप का बोल, सूप का चम्मच, फोर्क, टिश्यूज लेके ही जाती हूँ मैं चाइनीज खाने. ये अच्छा है. तो वहां जाके आई डाल चाइनीज का, मैंने कहा भाई इसमें डाल के दे दो प्लीज. Can you put the soup in this? Can you put the food in this? Can you put my chopper ice in this? Don't put it in your plate. यार ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है. पर खाना जरूर है. खाना जरूर है. खाना जरूर. Just take your own cutlery. But जूहू की बातें नहीं बताई आपने. यहाँ से वहाँ चली गई हो अभी. मैं अच्छा यहाँ हाँ. I used to live here, right next to the Marriott. My dad and dadi still live here. Didn't you have like a sea facing thing or going on something over here? Yeah. So this building opens up to the beach. It's like a row houses wow. and a building society. So we had a little private entry and exit in Juhu Beach. Wow. Where full lockdown, we have sat there only. क्या pandemic में आपकी cooking skills any better हुई हैं? Any better नहीं. मैंने छप्पर फाड़ दिया. क्या बात कर रहे हो? फाड़ दिया. एक second. Reference के लिए पहला episode जाके देख लें Bombay Journey का. ये madam से खाना गर्म नहीं करवाया जाते थे. कुछ नहीं. वो मेरे घर नहीं आते थे कि भाई microwave में भी मिठाई जला के खिलाएगी. या कुछ खाना अवन में तो जला ही देगी. There are friends of mine who do not come to my house for lunch or dinner. They're like, we'll eat outside and then come to your house to chill. There's no way. तो आप क्या क्या बना लेते हो? I do this really nice mushroom stuffed tofu in like this nice soya sauce. Then I do rice sheets of prawns and or chicken. Nice. मतलब ऐसी छलांग मार रही है. I think you just skipped the whole दाल चावल level. I skipped the whole दाल चावल कढ़ी चावल level. I went continental. I said भाई खत्म. But I everything was vegan. When did you turn vegan? I didn't turn vegan. But I generally have stopped eating gluten for years now and dairy products for years now. Years. तो क्या वो quality Frankie, Raju Chinese, Mani Dosa इन सब को भूल गई है? याद है अभी भी? सब याद है. Quality Frankie तो भूल ही नहीं सकते ना. ये अपना कलानी केतन वाला. Remember, you know that? No. She's the one who taught me. You know the Kalani? Yeah. Bro, so yum. Kalani Ketan, quality Frankie, chicken cheese. Oh my God. Oh yeah. Oh my God. First of all, I was a very petty child, as you can tell. And I'm petty now also. तो मेरे से एक पूरी फ्रैंकी खत्म ही नहीं होती थी. तो मैं आधा खाती थी. मैं कहती आधा मैं बचा के घर लेके जाऊंगी, कल खाऊंगी. ये तो यस बॉस वाला वो बैग में से आधा केला निकल रहा है. इनके बैग में से आधी फ्रैंकी निकल रही है. भाई यहाँ का पान खाया किसी ने? मैं मिश्रा पान भंडार वाला हूँ. यहाँ का पान का जो सर्विस है, ओ हो, सर्विस ही अलग है. गाड़ी से बाकी पार्क करो, बंदे आएंगे एट योर सर्विस मैम टाइप. और बनेगा यहाँ नहीं, कहीं और से बन के आएगा. या दैट्स अ जुहू थिंग. ठीक है, मुंबई से जो नहीं है उन लोगों को बता दे, रात को अगर आप अंडा भुर्जी खा रहे हैं तो आप रोकेंगे अमरजू सेंटर के आसपास कहीं पे, बट आ जाएगी वहाँ पर भुर्जी, प्रकट होगी. कहाँ आप मेरे को ले आयो यार? यार बीच खाली मिल रहा है आपके साथ पूरा एकदम सुबह सुबह. अगर आपको मुहूर्त शॉर्ट से पहले मजे करवाने तो ये वाले मजे करवा दें, फिर आप मेहनत करो. Let's do it. बीच पे कब आई थी लास्ट? लॉकडाउन में सन्नाटा था, ना एक इंसान, ना एक गाड़ी, कुछ नहीं थी. हाँ. और यहाँ बैठ के फुल मजे लिए सी ब्रीज के, मैंने और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने, जिसको गाड़ी चलानी आती थी तब. हाँ. मुझे नहीं आती थी, अब मुझे, मैंने रिसेंटली गाड़ी चलाना सिखाया गाइस. ओह रियली? वाह यार, वाह, कांग्रेचुलेशंस. बट इजंट इट लिबरेटिंग? ओह इट्स नॉट जस्ट लिबरेटिंग, इट्स अनरियल. कम कुछ चीजों के आनंद हम मुंबई के बॉम्बे जर्नी और संडे ब्रंच में ही ले पाते हैं ना. The beach now. It's a little away from your house. I can't not miss the beach now. You know how it is. Yeah. The beach is the beach, yeah. It's, and I'm telling you, if I could, I would have taken you to my building ka, that patch. It's unreal. Yeah, we've been there. You've been there. It's unreal, man. There's like a whole promenade. Yeah. Where you can walk in a garden. So and it's restricted only to like to the residents. Yeah. Come, we'll take a beach selfie here. Oh, yeah. Love is about artists. They know the striking. I don't know. I don't know. You put the camera here. I came strike. Here. You put the camera here. Some profile. मेरी ये मेरा ये profile नहीं है. मेरा कुछ नहीं है. नहीं I'm very flexible. चलो. Sometimes people ask me on shoots which side. मैंने कहा what does that mean? You tell me where your bloody light is. I said there. But लिखा विखा आपने ऐसा कुछ नया explore किया pandemic में? यार pandemic में ना मैं actually भूल गई थी
कि मैं एक एक्टर हूँ. मैं भूल गई थी कि मैं एक फिल्म इंडस्ट्री से हूँ. क्यों? I was so consumed and preoccupied with just taking care of my mom, dad, dadi, my house. Yeah. We didn't have any domestic help for the entire first 8 months of lockdown. So I have for the first time woken up every morning and either done jhadu, pocha, katka, or dried clothes, then prepare for lunch. Mom would make lunch. I would chop and help her in lunch. After lunch, dad would do utensils. I would not even like get 15 minutes to myself after lunch, and I would have to start prepping for the night because dinner was my duty. Oh, wow. Oh my God. I would make dinner. Then I would try and do a workout. So my that time, if you see stories, were night workouts. Oh, wow. Raat ke 1 baje start karu, 2 baje start karu. I'm working out in the middle of the night. So I have had no time. इतना कुछ सीख गए आप. करते-करते चला गया. अरे रेवोल्यूशनरी सीख गई है. ये सब गाने में समझ नहीं आ रहा नुसरत के मुंह से सुन रहा हूँ. You know my daddy used to always say this to me. Never understood. My daddy said, बड़े बतेरे तुम लोगों को problems है बच्चों को ये stress वो stress anxiety. She said जिस दिन सुबह उठ के तेरे को ये management तेरा रोज का आएगा ना तब ये सारा stress वेस दिमाग से हट जाएगा. Because no more than cooking, it's basically understanding on an everyday basis what do we need to survive, what do we need to run a house. Once you get that organized, then you will have time for other things. If I wake up every day, what am I going to do today? I'm going to stress about this film and that film and this role. So kahan se? Long story short. Perspective kahan se aayega? Long story short, aate dal ka bhav pata chal gaya. Exactly. This is it. नुसरत मैं आपकी सीट कूलिंग ऑन कर रहा हूँ. मेरी भी ऑन करो. मेरे को गर्मी लग रही है. What is that? You don't have seat cooling in your car, then you're missing out on life. What is this life that I'm missing out on? Can somebody explain? Look at what is happening. Seat cooling. Below and पीछे देखो ना ठंडा ठंडा लग रहा है. You mean the seat is actually chilling? Yes. So has to be show off worthy. What? Has to be show off worthy. Oh my God. Okay. Pretty neat guys. तो ये जो हमने मैसूर चीज मसाला डोसा की बात की थी पिछली बार थोड़ा एक्सप्लोर करें क्या? चलो करते हैं. क्योंकि देखिए संडे ब्रंच वाली जो फीलिंग कामया देती हैं वो बॉम्बे जर्नी पे ऐसे ही आती है. आर यू एन एक्सप्लोरर बाय नेचर? यू डन अ लॉट ऑफ सोलो ट्रैवल आल्सो राइट? एंड टू प्लेसेस वेयर यू कैन नॉट गो सोलो. कश्मीर अलोन एंड एवरीबॉडी देयर वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक आई हैव लॉस्ट सम मार्बल ऑफ माय हेड. Because you go to Kashmir as honeymoon or with family and even those cable cars, Gulmarg wale, मैं अकेले खड़ी हूँ तो जो टिकट वाले हैं फिर मेरा टर्न आया तो they looked at me and they said, हाँ मैम आपके साथ कौन? मैंने कहा मैं अकेली हूँ. तो वो दो लोग मुझे ऐसे देख के फिर कुछ कश्मीरी में बात कर रहे फिर मुझसे कह रहे नहीं मतलब अकेले हो मतलब अकेले. मैंने कहा अकेले नहीं फैमिली किधर है? मैंने कहा बॉम्बे में. मैं इंडिया से बॉम्बे से अकेली आई हूँ. मेरे को एक बग्गी दे दो यार जाने के लिए केबल कार दे दो. सो दे कुड नॉट बिलीव इट. दे कॉल्ड एवरीबडी देयर जस्ट टू सी मी लाइक आई एम सम yeah like some monument. So there was a couple in front of me and first they suggested I go with them. I said are you crazy? I'm not going with the couple to are you crazy? I said no guys no give me a family not a couple. I'll be more depressed. Then they just felt bad for me. They gave me a solo cable car. Oh thanks. तो उनमें से किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि मैं अकेली गई. ऊपर जाके जो एकदम हाई टॉप होता है ना स्नो कैप माउंटेन वहां जाके पूरी फैमिली फोटोज लेती है स्नो में. अब मेरी कौन फोटो निकालेगा? कौन निकालेगा? तो मैं अकेले भटक रही थी ऐसे ऐसे. एक फैमिली थी अंकल. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टोरी इट्स सो ऑड यू जस्ट ब्रिंग आउट दिस कन्वर्सेशंस इन मी. दिस अंकल वाज देयर एंड ही थॉट आई वाज पार्ट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज़ ही केम विद सम 10 किड्स. ओह गॉड नो यू कांट रिकॉग्नाइज एक और है हमारी ये ही कुडंट रिकॉग्नाइज एनीबॉडी बिकॉज़ वी वर इन कैप एंड मफलर एंड स्पेक्स मास्क एंड एवरीथिंग. सो ही सेड हां हमारी ग्रुप की बच्ची. ए इधर आओ इधर आओ. सो आई एम लाइक व्हाई इज अंकल कॉलिंग मी? तुम्हें चली गई? मैंने कहा चलो थोड़ी तो फैमिली की इफेक्ट आएगी मुझे ग्रुप में लेके जा रहे हैं मैं अकेले घूम रही हूं. सो आई वेंट विद देम एंड देन द वाइफ टोल्ड हिम किसको बुला रहे हो? हमारे बच्चों में से नहीं है वो. तो इसे है हमारी फैमिली में से नहीं है. तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मैं अकेले आई हूं. देन ही सेड आप अकेले आए हो? मैंने कहा हां जी. ही सेड ओ बेटा आपको फोटो लेनी? मैंने कहा हां जी अंकल मेरी फोटो ले लो प्लीज. इसी दिन के लिए रुकी थी मैं इसी समय के लिए. ही सेड नो फोटो ले लो मेरी इस स्नो कैप माउंटेन में प्लीज. फिर मैं गई मालदीव्स अकेले. Can you beat that? सब कपल ही जाते हैं. Another depression again. Why do I do this to myself? So somebody told me to take a trip to Maldives and it was going to be like a whole PR activity and they wanted me to come there and shoot and promote the resort. Property, हाँ. So I am not thinking at all because, like I said, I don't go out on dates. So I don't know what taking a trip with
special person. Someone actually means, because I haven't done that. So I have landed up in Maldives and they took their photos in the morning and then they left. Wow. And then I'm sitting alone in this absolutely amazing romantic location with these heart-shaped bloody breakfast baskets and champagne and all. मैंने कहा करूँ क्या? अकेले क्या करूँ मैं? Third, I went to Bali. Oh, चलो ठीक है, फिर भी doable. नहीं, फिर भी not doable because मतलब Bali में भी I think the vibe there, the people there, the culture there is always a group. It's like a party. If not with a special someone, there's a group of friends you're going clubbing with, exploring with. Is that you've been to Bali, no, Kamal? Yeah, yeah, I have. Is that how it is? The vibe? Yeah, see, there are different places. Did you go to Ubud also? I didn't go to Ubud. I went to Rock Bar, wherever that place is. Then I went to Gili Islands. I took a speedboat, went to Gili Islands, and I did scuba diving. But Gili Islands also, the whole stretch is like a party place. Yeah. Every shack turns into a club. Jaise hi sun dhalta hai, wo party ho jati hai. Kya baat? Aur maine kaha, oh. मैंने बता दिया कि कैसे हुआ था. बाली एंड कश्मीर बोथ वाज सो इम्प्रॉम्प्टू. द रीजन आई डिडंट इवन नो वेयर ऑल टू गो टू इन बाली इज आई डिसाइडेड टुडे दैट आई वांट टू लीव दिस कंट्री. आई वाज शूटिंग सम फिल्म एट दैट पॉइंट, आई थिंक प्यार का पंचनामा और समथिंग आई वाज शूटिंग. And I had just not taken a holiday in very long. And I called my travel agent and I said, listen, I want to get out of here. Where can I go? First name he took was, you can go to Bali. Maine kaha, great. Can you book me on a ticket tomorrow? He said, tomorrow the name, I'm day after. Maine kaha, day after kar diya. Haan, visa on arrival hi hai wahan par. Exactly. Yeah. Kya baat? So day after I was on a flight. I was on a flight reaching somewhere. I had no clue. Ki kya karne wali ho? Kaun se hotel mein rukne wali hoon? कहाँ जाने वाली हूँ, कौन पिकअप करना, मुझे कुछ नहीं पता था. मैं बस फ्लाइट पर बैठ गई बैक पैक करके, वो भी सिंगापुर एयरलाइन से मैंने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर दी. काम्या, रैंडम इनसाइट ऑन हर एज एन एक्सप्लोरर, शी हैज द बिगेस्ट फियर अबाउट मिसिंग अ फ्लाइट, एन एग्जाम, अ ट्रेन. आई लिटरली फील लाइक टेलिंग समबडी दैट हाय, वी आर ऑन द सेम फ्लाइट. If you're going to catch it, can you just make sure I'm somewhere around? Can you keep an eye on me? And it's the worst thing. So I missed this flight to Bali from Singapore Airlines. And Singapore Airlines is a silent airport. So they didn't do any announcements. Yeah. And how have I missed it? I'm so smart. I landed and I'm looking at my nice watch. India time. So I'm like, oh, what time? Better. मैंने ऐसे कॉफी ली, मफिन लिया, लैपटॉप खोल के राइटिंग कर रही हूँ, पूरा वाइब आ रहा है. ओह, पर आई हूँ मैं, आई एम जस्ट रीचिंग बाली. देन आई स्टार्ट वॉकिंग, क्यों, माय गेट इज देयर, माय गेट इज, बट माय फ्लाइट इज, आई एम सीइंग पीपल अराउंड मी रन, दे आर रनिंग, एंड आई एम लाइक, कितने डम है, इतनी कट टू कट फ्लाइट क्यों बुक कर, मेरे पास कितना टाइम है, आई कैन एक्सप्लोर द एयरपोर्ट, शॉप अ लिटिल, डू ऑल दिस. आई एम लाफिंग एट देम. फिर मेरे सामने दे शट द गेट्स. They lock it. They put a tala. Alone, I'm sitting. Whole staff is gone. So I'm like, अरे break लेके आ जाएंगे वापस. एक flight गई, दूसरी flight के लिए कोई और आएगा. बैठी हूँ. मैंने कहा कोई आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा. मैंने कहा ये तो सन्नाटा हो गया भाई यहाँ. गलत. Then I asked somebody. I said, hi ma'am, my boarding pass. This flight is from this gate. Or has the gate changed? Like you know. So she looked at my flight ticket and she looked at me, and she said, flight is gone. I'm like, no. अरे नो दिस फ्लाइट. शी इज लाइक यस इट्स गॉन. आई सेड नो बट लुक एट द टाइम. एंड शी लाफ्ड एंड शी सेड लुक एट द टाइम. एंड शी शोड मी द क्लॉक व्हिच इज हैंगिंग फ्रॉम द माय गॉड एयरपोर्ट. ये टिप देना जरूरी है लोगों को. एंड आई एम लाइक व्हाट हैज हैपेंड टू मी. एंड माय बैग्स हैव गॉन. ओ नो, बिकॉज़ इट वाज अ कनेक्टेड फ्लाइट. यस, बैग्स पहुंच गई. मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं करूं क्या. अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई भाई. इट्स इवन मोर एपिक. एपिक After epic. रुको, इधर एक टिप दे दे जल्दी. The simply clever hack is very very simple. जब कैप्टन आपको बोले अपनी वॉचेस के टाइम स्विच करें, तो हेडफोन निकाले, वॉच के टाइम स्विच करें, ताकि ये ना हो. या एक स्मार्टफोन खरीद लो अपने हाथ में, फोन से हो जाता है, बंद कर दो, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. टाइम बेस्ट है, बट नेटवर्क नहीं पकड़ता तो वैसे रहता है. तो वाईफाई से कनेक्ट कर लो. यस एवरी एयरपोर्ट हैज वाईफाई. So, और टाइम डिफरेंस बाय द वे इंडिया और सिंगापुर के बीच में 2.5 से 3 घंटे का है. सो यू आर 3 आवर्स बिहाइंड. Can you believe? No, it's not even ending here. Oh, yes. Then I go to Singapore Airlines ka counter and tell them, hi, I have missed my connecting flight to Bali. It was on your aircraft. My bags have gone. What do I do? Oh, ma'am, you didn't show.
so we can't do it. Yeah, you're on no show. You're on no show. I'm like, oh wow, first time hearing that word. Great, okay. I said, so now what do I do? So they were like, nothing. You'll have to just take the next flight to Bali. I'm like, oh God, okay. When is the next flight to Bali? In 9 hours. Oh damn. I'm like, what? Anyway, I have only 4 days. उसमें एक दिन ही सिंगापुर एयरलाइन में बैठी होंगी एयरपोर्ट पे. मैंने कहा ओ नथिंग अर्लियर. नो नो नो. आई सेड ओके चलो आई टेक दैट दिस मच डॉलर्स. डुडुम. पैसे नहीं थे मेरे पास क्योंकि मैं एक कार्ड जो ट्रैवलर्स का कार्ड है वो लेके जा रही थी जो एक्टिवेट होता जब मैं लैंड होती बिकॉज मैंने लास्ट मिनट लिया ना सब कुछ. तो कुछ था नहीं ऐसे उठ के चले गए. तो मैंने कहा यार मेरे पास तो सिर्फ $100 है US. दे वर लाइक ग्रेट बट वी विल नॉट एक्सेप्ट US डॉलर्स. You have to get a Singapore currency. तो उधर travel exchange का counter है, वहाँ जाके पैसे change करके लेके आओ. और वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है. वो तो छोड़ो, मैं चली गई. मैंने कहा अब तक काय करना है. चलो, I went. I'm like भाई, मेरे को exchange करके तो मेरे को ticket लेनी है. उसने मुझे exchange करके जो currency होता है equal to $100 US dollars दिया. मैं लेके गई counter पे. मैंने कहा hi ma'am, money, please get me ticket. She looked at the money and she said you're $2 short. Oh damn. Oh God. मैंने कहा अरे डिस्काउंट देते यार $2 का. So what, it's $2 ma'am. She said yeah, no I cannot issue a ticket, it's not possible. So I'm looking around, I said do you really want me to ask somebody at this airport to give me $2? Are you crazy? Do you know what's happening to me right now? My life is just crumbling. I said what? No. Then I've actually called people in Bombay, woken them up and told them book a flight from India and pay this woman. No combination of things worked. Finally somebody had pity on me and gave me $2. हाँ देख रहे हो हैगल कर रही है लड़की बेचारी. ले लो इसको दे दो. उस पैसे से मैंने एक टिकट खरीदी. मैंने कहा थैंक गॉड ये तो खत्म हुआ. 9 घंटे सिंगापुर एयरपोर्ट पे. ये हमने प्री ऑर्डर करके रखे थे हमारे दोस्त से जो आ चुके हैं. तो मैं बाकी कहानी लेके खत्म करती हूँ. हाँ लाओ. ये कौन सा है? ये जिनी. क्या है? जिनी. भाई जिनी. वाओ जिनी कामया का है. वाओ मेरे गाने लगा रखे. ओ वाओ आई लाइक दिस सादा. घी सादा. डू यू वांट घी सादा? दिस इज नाइस. आई लीव दिस. आई थिंक मैसूर मसाला आल्सो. सर जी मैसूर मसाला विद चीज. ले भाई मैसूर मसाला विद चीज आप नहीं खाओगे क्योंकि आप चीज अवॉइड करती हैं लाइफ में. एंड मसाला भी अनरियल लेवल का इस वक्त. आई वाज सो हंग्री गाइस. यस वाह यार सच्ची क्रिस्पी मस्त मसालेदार. You're the only person who told me you like the Mysore masala on the side, or not on the side, but inside. Inside, of course. क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है. हाँ, you also like that. मैं तो सिंगापुर एयरपोर्ट में काफी कुछ है करने के लिए. हाँ, चांगी बहुत सुंदर है भाई. अरे भाई, पैसे खत्म हो गए ना? हाँ, तो कुछ नहीं है. मैं 9 घंटे फिर मेरे को ये फिर उसने बताया. There are a lot of things you can do, ma'am, at the airport. I'm like, okay, everything costs money. Even a bloody chair, massage chair is costing money. Yeah, yeah. So 9 hours I had no money to spend. So I just sat on one chair. And did nothing. You know, you were just saying, कैसे आपके parents आपको frankie खिलाने लेकर जाते थे और how you take care of your parents, being the only child and a Mumbai girl, कैसे आपने entry किया Bollywood में? Oh my God. And business family से, right? Your dad's a businessman. Yeah. I don't think I ever remember a time where I said मुझे actor बनना है. It was never a dream. It was never one of those professions that I was like, अरे बड़े होके ये बनना है. कभी सोचा नहीं था. तो फिर सपना तो बहुत ही दूर की बात है. सोचा नहीं था तो. I think somewhere this concept ना अब जो लिखा होता है वही होता है. आप कितने भी हाथ पैर मार लो आप वहीं पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है. So I just feel like I was right there for things to happen at that time and it kind of just happened. But that's a very big truth about our industry. You have to be at the right place at the right time for sure. Yeah, I'm, even if you're at the wrong place, yeah, something is going to come out of that. Kuch nahi to at least you learn what not to do, if not what to do. But I feel like it's a lot of things, na? Hard work, talent, opportunities that you get. Yeah, main aapko sach batau, I feel luck to haan bhai. Luck by chance to picture वैसे ही given है सच है वो. Reason से ही बनी है. But hard work मैं बताऊँ आपको. कहीं भी आपको हार्डवर्क डालना तो पड़ेगा. देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ अनलेस यू हैव समथिंग दैट इज ऑलरेडी मेड बाय योर यू नो प्रीवियस जनरेशन जो आपके लिए बना बनाया रखा हो. खाने पे हम तो हंसल सर के सेट पे यार खाने की बड़ी भरमार होती है. इज अ बिग फूडी हमारी जितनी बात हुई हमने तो एक शो बना दिया.
काम है, आप कर्ली डेज पे होस्ट करेंगे हंसल सर के साथ, बट वाज दैट हाउ इट वाज ऑन छलांग ना? सो छलांग वाज नॉट जस्ट हंसल सर हु इज क्रेजी फूडी, आल्सो लव सर, ही कुक्स ऑन सेट. व्हाट आर यू सेइंग? वो बड़ा सा एक पतीला लेके, बड़ा सा खर्चा लेके वो सुबह से चालू है अपना. पर आप डाइटिंग करते हो क्या? अरे बहुत खतरनाक वाली करती हूँ, मत पूछो. समझ नहीं आता मुझे खुद समटाइम्स कि मैं इतना कैसे डाइट कर लेती हूँ और कैसे मन मार लेती हूँ, बट करना पड़ता है. बट आई हैव अ थिंग, द डे आई, सो इफ आई डाइट फॉर से सॉन्ग शूट और फिल्म शूट और समथिंग, द नेक्स्ट मोमेंट आई एम लाइक, वेयर इज द बटर चिकन, वेयर इज द लच्छा पराठा, वेयर इज द दाल मखनी, वेयर इज ऑल दिस फूड, इट नीड्स टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ मी राइट अवे. एक मुंबईकर के लिए इतना सारा नॉर्थ का, जैसे आपकी एक्सेंट भी, मैंने हमारी पिछली बार बात हुई है इस बारे में, बट दैट वाज इंटरेस्टिंग, लाइक द वे यू हैव स्पष्ट हिंदी, देयर इज नो मुंबईया टच इन इट. आई डोंट नो हाउ. सो लाइक इज देयर अ फेवरेट स्लैंग वर्ड दैट यू हैव फ्रॉम मुंबई? ट्रस्ट मी, आई वुडंट इवन रिकॉग्नाइज इट इफ यू सेड इट टू मी. ओह, इज दैट अ स्लैंग वर्ड? वाओ. स्लैंग क्या सिखाओ? कुछ वनटास की गोली ले. हां मस्त है ना? मतलब क्या है वनटास की गोली ले? तो मुझे भी नहीं पता. मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रीट स्लैंग कि किसी को आपको वटाना है, वटाना यू नो, भगाना है, हटाओ. हां हां, तो वनटास की गोली इज लाइक वट, यहां से इधर से निकल, ऐसा चल, अभी हवा आने दे. आई थिंक द कॉप इज हियर टू से वनटास की गोली ले. वाओ वाओ, दैट्स परफेक्ट. आई विल ड्राइव नाउ, कम क्विक. हे, टेकिंग नुशरत फॉर अ ड्राइव. चले चलो यार, पीछे बैठने में अलग ही मजा है यार, पैर फैला के. सॉरी, स्पेशियस है ना, कंफर्टेबल. जस्ट द यूजुअली पर्सन हु इज ड्राइविंग व्हेन ही शिफ्ट्स टू द बैक लाइक्स दिस लाइफ. नुशरत, आर यू द वन हु इज ड्राइविंग? आई मीन, इफ यू आर गोइंग टू गो टू द स्कोडा स्लाविया ड्राइवोमीटर क्वेश्चंस, देन लेट्स स्विच टू दैट एंड अंडरस्टैंड अ रैपिड फायर थिंग फ्रॉम यू. ओके, ड्राइवर और पिलियन और पीछे? Right now and currently driver. Yeah? Yeah. Mm. Oh wow. Currently, yeah. Road trips or catching flights? Oh, road trips. Yeah? Oh, 100%. And your favorite place to go for a road trip? I would like to say Goa, because that's the last road trip I took. Oh, you did? Yeah. Khud chalai gaadi? Nahin. Nahin. Abhi chalani toh abhi sikhi hai. Yaar, lekin Amboli Ghat bahut maza aaya. I drove to Goa all by myself. Oh amazing. My god. Yeah, video hai YouTube par. Wow. If you want tips, you can and watch that. And phir jaake kya kiya? Drive back here. नहीं, पर मैं रही वहाँ पे 1 week pandemic में. Oh nice. Nobody else was interested in coming. I said I'll go by myself. सुबह 6 बजे निकली and then I reached there by like 2 o'clock. Oh my god. Yeah. I took that one trip. We were about 5-6 girls stuffed in one car. Yeah. It was damn uncomfortable, but it was such a vibe. I was like, no, this is it. How long did you take to learn driving and were you nervous initially? कुछ ऐसा हुआ incident while driving? So, मैंने एक्चुअली गाड़ी बहुत सालों पहले ट्राई की थी चलानी. अच्छा. और मुझे ट्रक से बहुत डर लगता है, तो मैं एक जो सिखाते हैं लर्निंग स्कूल वाले जो इंस्ट्रक्टर थे उनके साथ चला रही थी, यही जूहू की गलियों में, एंड ये जो क्रॉस रोड होते ना ऐसे, तो मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे ऐसे ट्रक आ रही थी, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, मैंने गाड़ी छोड़ दी, मैंने कहा ट्रक एंड आई वाज लाइक दैट, मैं ट्रक ट्रक, सी इज लाइक आर यू मैड, बट ओह गॉड, सो व्हाट इफ इट्स अ ट्रक? आई सेड नो, आई कांट ट्रक, आई फ्रोज. तो मैंने छोड़ दिया चलाना और सीखना. देन आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म नाउ विच इज इन मे. इन दैट फिल्म आई हैड टू डू स्टंट्स इन अ कार. बाय स्टंट्स आई डोंट मीन लाइक स्टंट्स, बट लिटिल बिट ऑफ एक्शन, कार क्रैश एंड ऑल ऑफ दैट. ओह वाओ. पता चला उनको कि मुझे चलानी ही नहीं आती, पर्टिकुलर कार से तो कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को आती ही नहीं है. सो दे ऑल पैनिक्ड, दे लाइक हाउ वी गोना शूट, हाउ वी गोना शूट. मैंने कहा सर इट्स ओके, यू सेंड मी टू ड्राइविंग क्लासेस, वील फिगर इट आउट. नाउ दैट यू टोल्ड मी इट्स फॉर अ फिल्म, या यू नो, मोटिवेशन, ऑल बेट्स ऑफ ब्रो, आई विल डू एनीथिंग. तो आई डिड सम 5-6 क्लासेस, शूट स्टार्टेड. नाउ एवरीबॉडी ऑन सेट इज पैनिकिंग, आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ चेस सीक्वेंस आल्सो एंड अ फॉलोइंग सीक्वेंस आल्सो व्हिच हैज टू बी एवरीथिंग ऑन मार्क. रास्ते पे चल रहा है ट्रैफिक है, दैट्स इट, वी आर गॉन, वी आर गॉन. बट ब्रो आई डिड इट एंड हाउ. Yeah. Like how? Amazing. You know, I feel like a lot of girls वो driving सीखती हैं और फिर थोड़ा कुछ एक incident हो जाता है ना, then they give up. But I feel वहीं पे I had one incident where थोड़ी सी गाड़ी लग गई, I came home crying, I said अब से मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, पापा को बोला. My dad said अभी तो चल मेरे साथ drive पर.
अभी ही चल एंड वी वेंट ऑन अ ड्राइव एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक ओह वाओ सो कूल एंड यू नो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी लिबरेटिंग थिंग एंड आई फील ऑल वुमेन शुड नो ड्राइविंग व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट आई 100% थिंक यू शुड बीइंग द ओनली चाइल्ड माय बिगेस्ट फियर वाज इफ आई हैड टू ड्राइव एनीबॉडी इन माय फैमिली इन एन इमरजेंसी एनीवेयर व्हाट विल आई डू हाउ विल आई आई एम नॉट गोना वेट फॉर अ टैक्सी एंड अ रिक्शा एंड हाउ व्हेन आई हैव कार्स आई शुड बी एबल टू गेट टू समवेयर सो दैट आई थिंक थॉट हैज ऑलवेज प्लेड ऑन माय हेड बट It took a film, yeah, and a character and a shoot in a film to get me to actually start driving a car. So, now that you've gone to Gulmarg and you told us a story, would it be trekking or skiing? What would you have to, if you had to choose? I would choose trekking. Yeah? Yeah. And beach or mountains? Ooh. Mm. A place where there are beach and mountains both, Portugal. Or Sri Lanka, oh, yeah. Is nice, yeah. It's a beautiful place, yeah. Don't make me pick. They're too pretty. And yeah. once you've been to Portugal, where you've seen the beach right there and then that huge mountain right there, I'm like, can't. I'm sitting on that rock and watching the sea. I think your parents also did a great job at making you an explorer because you told me that they would take you to camping and trekking, na, bachpan mein? Kida of trekking is my dad's. He got my mom, me, my brother, sisters into it. ये इतने सारे character करने के बाद नुशरत अब आपको क्या मन करता है जैसे अभी आप छोरी टू कर रहे हो उसमें तो full मतलब horror. Where does your heart lie like? You know, I don't think I've ever been able to pick a genre for the fact to say that okay, my heart lies here. But I feel like जो मैंने पहले नहीं किया हो ऐसा कुछ आए तो it'll be interesting. And Chori is a horror film. आप भूत प्रेत में मानते हो? नहीं मानती थी. नहीं मानती थी. या मानती थी और नहीं मानती हूँ. Chori ने ना मतलब थोड़ा हिला दिया है मुझे. कैसे बताऊँ मैं आपको? बिकॉज स्टोरी इज नॉट जस्ट अ हॉरर हॉरर लाइक भूत नहीं है ना उसमें उसमें द हॉरर इज द सोशल इविल करेक्ट नाउ इफ आई लुक बियॉन्ड द स्केरी वुमन एंड द गोस्ट द रियलिटी ऑफ अ सोशल इविल एग्जिस्टिंग इन आर कल्चर सोसाइटी इवन इन द अर्बेन क्लास इज जस्ट सो हॉरिफाइंग सो स्केरी दैट अब मुझे नहीं लगता भूत से तो डरना ही नहीं चाहिए वो तो कुछ नहीं करेगा हम ह्यूमंस ही कर लेंगे एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ गलत तो क्या करोगे मतलब पर आपने अपने नाम की स्पेलिंग थोड़ी चेंज की है तो न्यूमरोलॉजी में मानते हो एंड डज इट रियली वर्क यार यू नो दीज थिंग्स आई फील आर अ लीप ऑफ फेथ देयर इज हाउ डू यू क्वांटिफाई whether it is worked or not how do I quantify it there is no, like did you like start getting more work or did your professional graph change ab agar if I say ke the work came only because my spelling changed and not because my previous films did well to galat hai or undermining your talent ho jata hai na correct or saying that pata nahi is time pe hi cheeze aani I mean there are a lot of permutations and combinations which can't all quantify into telling you yeah this has made a difference or this has not made a difference yeah but it's a matter of faith must hai you know Nushad I was telling Kamya about your local train expeditions kahin bhi baith ke nikal leti thi jo local trains for me were a escape ha na yeah when I was a child and I would cry and I would need pacifying My dad and mom would rock me. उस rocking से मुझे नींद आ जाती या मैं भूल जाती मैं किस चीज के लिए रो रही थी या जिद कर रही थी तो जो वो ट्रेन का वो मूवमेंट है ना इट्स अ वेरी रॉकिंग मूवमेंट यू नो बट डू यू टेक दैट ओनली व्हेन यू आर रियली स्ट्रेस्ड या तब आप लोकल ट्रेन में चले जाते हो अभी तो बहुत टाइम से नहीं गई हूँ बट ये जब की बात कर रहे हैं तब मैं कॉलेज में थी पर आप ट्राई भी मत करना आपको अगर पता नहीं बता दूं आप बहुत फेमस है ऐसे लोकल ट्रेन में क्या आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है ट्रेन में चली जाओ मैंने ट्राई तो नहीं किया है काफी टाइम से सो आई एम गोना स्टिक टू नॉट ट्राई बट तब आई यूज्ड टू सिट मैं बैठ जाती एंड आई वुड बी लाइक ट्रेन जहां तक जा रही है आई वुड सिट एंड वेट टिल द लास्ट स्टेशन यू हैड अ मिडिल ईस्ट ट्रिप रिसेंटली कहां कहां गई क्या क्या घूमी कहीं नहीं एयरपोर्ट से होटल होटल से वेन्यू जहां अवार्ड्स थे वेन्यू से वापस होटल और होटल से एयरपोर्ट और बॉम्बे अरे एक्सप्लोर करो यार मैं दुबई देख के आया मजा मैं दो रेस्टोरेंट्स गई बट यू नो नुशरत दुबई की प्लेसेस ऑल द प्लेसेस आर सो नाइस एंड नेक्स्ट टाइम यू गो टू वन ऑफ द बीच बार्स अ लॉट ऑफ पीपल जेबीआर पे ब्ला ब्ला हां आई हैव गॉन टू ब्ला ब्ला यू डिड या आई लव ब्ला ब्ला अनरियल दे द गर्ल्स देयर विद मी सेड वी आर डूइंग लंच एट दिस प्लेस entered and I was like what a vibe what is this place yeah it was amazing. crazy wahan se mast wo dikhta hai na aapka dubai eye dikhta hai ha ha dubai eye pura aise to hum beer ke glass mein se dubai eye ka photo le rahe the full creative exploration nice but super fun kaisa laga aapko as usual you've got me chit chatty and I have not stopped chatting I feel like this interview will have more of me talking than the two of you all talking we love that yeah this is also a good time to nushrat pitch
that travel show that we had spoken about to come here right here right now. Oh wow, let's pitch it. What are we doing? Oh. What are we doing? So 1000 comment and these girls will make it happen. We'll do a, yes. We'll do a travel show. Let's do it. Where to? Where a destination to of your choice. I'm okay. Do you have any bucket list? I'll make a bucket list. Now that you're giving me a choice of picking, then I'll make a proper bucket list. But Portugal go. Is nice. Oh, I'm not done with Lisbon. I went there one day alone, walk karne chali gayi. I had gone with my family, but I jaldi uthkar, you know, there's a lot of fun exploring a city alone. अकेले उठकर मैं चली गई. ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी कर सकते हैं अपन. आपको पता है मैं तीन हम चार लड़कियां गई थी गर्ल्स ट्रिप पे पोर्चुगल और पहले 6 दिन हम लिस्बन में रुके थे एयरबीएनबी के अपार्टमेंट में. माइंड ब्लोइंग अपार्टमेंट. फर्स्ट डे वी वेक अप एंड वी आर लाइक वी आर इन लिस्बन. सो मी एंड दिस गर्ल वी डोंट ब्रश वी डोंट हैव अ बाथ वी आर इन आवर पजामास इन आवर स्वेटशर्ट टाइड हेयर वेयर चश्मा पिक्ड अप आवर वॉलेट्स एंड सेड चलो वी आर गोना गो गेट कॉफी फॉर एवरीबॉडी. सो वी वॉकड डाउन टू फाइंड सम कॉफी शॉप. The other two girls are sleeping, कि हाँ आ जाएंगे भी आधा घंटे में कॉफी लेके तो हम सोते हैं. मैं और वो लड़की जो चलना शुरू किया और जो लेफ्ट राइट ये वो सडनली दरवाजा आया दरवाजा खोलो तो उसमें से वो ट्रेन जा रही है ऊपर. मैंने कहा वाओ. सो हम वहां खड़े होकर वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं. हम कुछ 2 घंटे बाद आए हैं वो भी बिना कॉफी के. चल के वापस आ गए. दिन में लाइक ओह शिट हम तो कॉफी लेने गए थे. ओह सॉरी ऑप्स अब यू ऑल गेट रेडी नाउ वी गो अगेन टू गेट कॉफी वी फॉरगॉट. एक ट्रैम है जो 2.5 यूरो में पूरा घुमाती है आपको. मैं उस 2.5 यूरो में काफी घूमी. सो ऑल द बेस्ट नुसरत. I hope आपकी सारी फिल्में हिट जाए. Yay! And we are looking forward to it. Thank you. We enjoyed. We had a great time. Thank और आज you. मैं बहुत खुश हूँ सिर्फ हमने food और travel की बातें ज़्यादा की है than films. हाँ. Okay. Yeah. Generally मेरा ना पूरा cinema वाला trip चालू हो जाता है ना. Artist की बातें और मतलब पूरी mind exploration method क्या अपनाया आपने. मिली भी एक foodie और travel की है. तो क्या करेंगे. सही है सही है. Good choice of guests. Oh, okay. Yes. Yay. Thank you Nushrat for making time thank available you, for thank us. Thank you so of much. Guys, of course, anytime. Yeah. This was the Bombay Journey and the Sunday Brunch powered by the Skoda Slavia. Thank you so much for tuning in. Sorry, auto wale bhai saab. Uncle Gussa. We love you. मुंबई वाले ऑटो वाले भाई लोगों के बारे में जो आपको बोलना है बोलो. सच सच बातें मुझे लोगों को कमेंट में बोलेंगे पब्लिक. हम नहीं बोल रहे कुछ. अमेजिंग. सब अपने की जिंदगी जियो. आगे बढ़ो लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से आगे बढ़ो बस. बट लेकिन ले जाओ ले जाओ ले चलो हमें जहाँ जाना है बस छोटी सी दलील.